छत्तीसगढ़ में 2019 में हुए नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। जगदलपुर में सफीरा साहू महापौर चुनी गई, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और सफीरा ने कमल का दामन थाम लिया। महापौर के बीजेपी में शामिल होते ही कांग्रेसियों के हाथ से निगम की सत्ता भी चली गई। विपक्ष में बैठी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के लिए कमरे के आवंटन को लेकर मोर्चा खोले हुए है। कांग्रेस पार्षदों ने कलेक्टर को अल्टीमेटम देकर कहा है कि यदि 48 घंटे के अंदर कमरे का निर्णय नहीं हुआ तो वो निगम दफ्तर के दोनों मुख्य दरवाजों पर तालाबंदी कर देंगे। हम लोग बहुत परेशान हो के आज फिर कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिए हैं, जिसमें हम लोग लिखा है कि उनको 48 घंटे का समय मांगा गया है और इसके बाद भी समस्या का 48 घंटे में नहीं होता है तो नगर निगम में हमारे जितने पार्षद हैं, हमारा पार्षद दल पूरे निगम को ताला लगाएगा। इधर बीजेपी अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर अलग ही अंदाज में जवाब दे रही है। बीजेपी का कहना है कि कमरे का रिनोवेशन कराया गया है, साथ ही कमरे में माई दंतेश्वरी और भगवान राम की तस्वीरें लगाई गई हैं। कमरे में प्रवेश करने के बाद कांग्रेसी राममय हो गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आज राम सबके हैं बोल रहे हैं। बहुसंख्यक समाज, इस देश की आत्मा जो हिंदू समाज है, उसको अपमानित करने का जितना प्रयास कांग्रेस ने किया उतना किसी ने आज तक किया नहीं। अंग्रेजों ने भी नहीं किया, मुगलों ने भी नहीं किया, परंतु आज जब भगवान राम की भव्य प्रतिमा वहाँ पर लगी हुई है, फोटो लगा हुआ है, कक्ष को पाने के लालच में सिर्फ राम हम सबके हैं बोल रहे हैं। इनको अपने आकाओं से पूछना चाहिए कि अगर राम सबके हैं और वहाँ जाते ही सब राममय हो जाएंगे। कई दिन से लगातार फर्श पर बैठकर लोगों का काम निपटा रहे कांग्रेस पार्षद दल का हठ और बीजेपी के कमरा ना देने की जिद के बीच अलग तरह के राजनीतिक रंग दिखाई दे रहे हैं। पहले बाथरूम पॉलिटिक्स हुई और उसके बाद अंग्रेज, मुगल, राम तक बात जा पहुंची। जितनी दूर का सोचकर पार्षद बयान दे रहे हैं, यदि विकास को लेकर भी जगदलपुर शहर को उतनी दूर तक ले जाने की कोशिश करते तो शहर की दिशा और दशा दोनों बदल जाती। रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज़, जगदलपुर।